विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए, सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें, गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है, इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं, सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं, सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं, मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं,
मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे। मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने, सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी, इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर। सभी पवित्रता का जीवन जिएं, स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तपर्पण करें, ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हर बर्थडे पर तारीफ मिली, तुम इसमें बहुत सुंदर लगते हो, जचते हो, तो आपकी सोच भी वैसे बन गई। अब अगले बर्थडे मुझे कौन सी ड्रेस खरीदनी है, कौन सी ज्यादा सूट करती है। तो ये अनेक लोग कह रहे हैं, इसलिए हम मानकर जी रहे हैं, या वाकई हम फील करते हैं, सच्चाई क्या है? वरना इतने सालों से हमारा जीवन मैकेनिकल बन गया है, दूसरों से तुलना कर करके, किसी को छोटा बनाकर तुलना करके, ये ऐसे कपड़े पहनता, मैं भी ऐसे पहनूं, इसके साथ ऐसा है तो मेरे साथ भी ऐसा हो।
हम मौलिकता से दूर हो गए। खुद को बताना सचमुच मैं क्या चाहता हूँ, ये तो लोग क्या कहेंगे इसलिए मैं ये करते रहता हूँ, ये क्या कहेंगे वो क्या कहेंगे, मगर सचमुच मैं क्या चाहता हूँ, ये सवाल पूछकर आप अपनी ओरिजिनलिटी पर जाना सीखोगे। मनन करें जो सुना। आपस में फैमिली में रिश्ते में रहते हैं, एक दूसरे को याद दिलाएं। क्या याद दिलाएं? जो कर हंस कर कर, ये तो फैमिली का लक्ष्य वाक्य होना चाहिए। हर फैमिली में सभी लोग मिलकर इकट्ठा मीटिंग करें कि हमारा घर कैसा होगा, हम जो भी कार्य करेंगे घर में हंस कर करेंगे। जिस दिन मेहमान आ जाएंगे लोग पहले डिसाइड करेंगे आज क्या है, आज तो इस लक्ष्य वाक्य को जरूर इस्तेमाल करना है, जो कर हंस कर कर। परिवार में अगर सभी लोग इस बात पर राजी हो जाएंगे, क्योंकि हर एक चाहता है परिवार में प्रेम हो, विश्वास हो, खुशी हो, आनंद हो, मगर फिर भी ये नहीं दिख रहा है तो हमने डिसाइड नहीं किया। परिवार के सभी लोग मिलकर बैठकर डिसाइड करें हमारे परिवार के सिद्धांत क्या होंगे, और अगर ये सभी मान गए तो देखोगे कि इतना आनंद प्रेम परिवार में आ सकता है। ये ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए, रिश्तों के लिए बहुत आवश्यक है। मनन करें जो सुना। कोई इंसान ट्रेन से जा रहा था तो उसके बाजू में खड़ा हुआ इंसान, भीड़ थी बहुत ट्रेन में, उसके बाजू में खड़ा हुआ इंसान कहता है कितना सुंदर दिन है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर दिन है। तो ये कहता है इसमें क्या सुंदरता वाली बात, मुझे तो सुंदर नहीं दिख रहा, तुमको क्या सुंदर दिख रहा है। तो ये इंसान बताता है मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ अपने घर, मैं अंधा था मुझे आँख मिली है, मुझे आँख मिली है, मुझे ये पूरा संसार स्वर्ग लग रहा है। तो ये जो इंसान सोच रहा है अरे आँखें तो हमको पहले से ही है, इसका पता ही नहीं हमको, हम पहले से ही स्वर्ग में हैं, इसको अभी मालूम पड़ रहा है ये स्वर्ग में है, हम पहले से हैं, हम पहले से हैं स्वर्ग में। ये जनवाने के लिए हमारे जीवन में रिश्ते आते हैं, लोग आते हैं कि तुम्हारी असली शक्ति तुम जानो, तुम पहले से ही स्वर्ग में हो। मगर इंसान ये जानने के बजाय क्या जानता है, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है मेरे पास ये नहीं है, इंसान खो गया इस तुलना में। मनन करें जो सुना। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ, मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या, कैसे प्राप्त करें मोक्ष, यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 15 से 20 नवंबर 2022, तो इस सुनहरे अवसर का अवश्य लाभ लें और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें